अरे साहब, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को, दी माइटी इंडिया को जो है वो 3 विकेट से हरा दिया है। इतनी बड़ी जीत एडम मार्करम की गोद में जाकर बैठ गई है। ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। आज करने बातें करने के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो रिंकू सिंह की इनिंग हो, अभिषेक शर्मा की हो, सूर्य कुमार यादव की हो, हार्दिक पांड्या की हो, बोलने को बहुत कुछ है भाई। तफसील से सुनिएगा, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आज तफसील से पोस्टमार्टम करूंगा इस इंडिया की टीम का। इन्होंने समझा हुआ क्या है कि भाई ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये न्यूजीलैंड से 3-0 हार जाएंगे, ये अफ्रीका की सीडी टीम से हार जाएंगे, इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। भाई जब हमारी टीम हारती है ना, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। अब तुम्हारी बारी है, गौर से सुनना और क्या बोलते हैं, दिल के दरवाजे जो है वो कान की खिड़कियां खोल लेना। ये तुम कोई तनकीद से मुबर्रा लोग नहीं हो कि तुम्हारे पे तनकीद नहीं हो सकती। तुम्हारा कप्तान क्या कर रहा है पिछले कुछ इनिंग से, वो अभिषेक शर्मा टुल्ला वो सामने आए, वो ट्रेविस हेड के साथ मिलकर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 6 ओवर में 125 मार सकता है, लेकिन वो चाहे वो एमर्जिंग एशिया कप में हो या अभी इन 2 मैचों में वो क्या करके किया है। वो वीडियो तो बहुत जो है अच्छे से बना लेते हैं कि भाई मैं युवराज सिंह को फॉलो करता हूँ, मैं भी युवराज की तरह या डरबन के अंदर 6 गेंदों पे 6 छक्के मार के दिखाऊंगा। वो कैसे मारेगा भाई तू, मैं आता हूँ, मैं तफसील से आता हूँ, इन सब पर आता हूँ। इंडिया की बैटिंग लाइनअप से शुरू करते हैं। पहले बताते हैं आपको कि भाई आज हुआ क्या है। आज ये हुआ है कि अफ्रीका ने इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को 3 विकेट से हरा दिए। अफ्रीका की कौन सी टीम जिसमें कोई 2-3 बड़े 4 बैटर है, सिर्फ क्लासन, मिलर, मार्करम, चौथा तो है नहीं, मैंने एक ज़्यादा बता दिए, स्टोबस 4 बड़े बैटर है सिर्फ। दूसरी तरफ तुम्हारी पूरी जैम पैक 11 थी, तुम्हारे पास वरुण चक्रवर्ती, KKR कोटा मौजूद था, उसने चलो परफॉर्म कर दिया। आए ना ज़रा MI के कोटे मुंबई इंडियंस पर, उसमें करता हूँ यार, रुके ज़रा, मैं पता नहीं इधर उधर निकल जाता हूँ, मैंने आज बहुत कुछ करना है, तुम ज़रा सब्र करो। पहले भाई बैटिंग लाइनअप से चलो शुरू करते हैं, दी सेंचुरियन गाय संजू सैमसन, इस बंदे को मैं आज ट्रोल नहीं करूँगा, इसको आज माफ़ी है, क्योंकि पहला मैच जितवाने वाला तुम्हें ये बंदा था संजू सैमसन, जो 100 मार गया तो तुम्हारा टारगेट 202 तक पहुंचा था, नहीं तो तुम फिर भी वहां भी लटक गए थे। अगर वहां संजू सैमसन परफॉर्म ना करता तो संजू सैमसन आज 3 गेंदें 0 रन डक पे आउट हुआ, बोल्ड करा है इसको मार्को जेंसन ने। उसके बाद अभिषेक शर्मा, हाय 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 हाय, ट्रेविस हेड टुल्ले के साथ मिलके 6 ओवर में 125 मारता है भाई हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए। ओ यार, इन मैचेस में परफॉर्म करना होता है मेरे भाई, चाहे वो एमर्जिंग एशिया कप हो, चाहे ये सीरीज हो। चलो एशिया कप आपको वो जो एमर्जिंग था गया, गलत गया, जैसा भी गया, एक आध इनिंग उसमें आई, लेकिन इसमें परफॉर्म करना था। जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी मार के तुम कोई बड़े पाए के खिलाड़ी नहीं बन सकते। कि तुमने जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी मार दी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये ओपनिंग स्लॉट पक्की हो गई? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, ओपनिंग में जायसवाल और संजू, ये दोनों आगे चल के जो है वो पक्के। अभिषेक शर्मा की ये आखिरी जो है वो चल रही है सीरीज, इसके बाद ये बंदा नज़र भी नहीं आएगा। क्यों? इसने बहुत खुद को ओवर कर लिया। एक तो BCCI ने करा, BCCI आए रोज इसकी वीडियोस फेंक रहे, जी मेरा आइडियल तो युवराज सिंह है, मैं युवराज को फॉलो करते हुए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं 6 छक्के मारूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। कर ले भाई, आजा तू कर ले, तू करके दिखा दे। सूर्य कुमार यादव, पता नहीं लास्ट टाइम इसने कब परफॉर्म किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। इन दो मैचों में फ्लॉप हुए 9 गेंदों पर 4 रन। स्ट्राइक रेट बताऊँ 44 का, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, मिस्टर 360, 9 गेंदों पर 4 रन। भाई जब आप शेल में जाते हो ना एज अ कैप्टन, जब आप शेल में चले जाते हो, जब आप अपना अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो, तो आपकी टीम के हाल भी पीछे यही होंगे। तिलक वर्मा साहब, मुझे समझ नहीं आती कब से कैरी किया हुआ इसको टीम इंडिया ने, एक आध परफॉर्मेंस इसकी क्या आ गई रणजी दिलीप वगैरह में, इसको उठा के सर पे बिठा दिया था। जी हमें मिडल ऑर्डर में ये मिल गया, मिडल ऑर्डर में वो मिल गया, मुझे कोई इसकी कोई बड़ी इनिंग दिखा दो। एमर्जिंग एशिया कप भी खेल कर आ रहा है ना ये, अभी उसमें भी इसने क्या गुल खिलाए, कप्तान था ये इंडिया का कप्तान था ना, क्या गुल खिलाए थे इसने, श्रीलंका से हार गए थे ये लोग सेमीफाइनल में। तिलक वर्मा 20 गेंदे 20 रन,
अक्षर पटेल 21 गेंदे 27 रन, अच्छे टच में नजर आ रहा था, लग रहा था मुझे कि यार ये कैरी ऑन करेगा, आगे लेकर जाएगा मैच को, लेकिन भाई वही हुआ जो होता है, रन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। हार्दिक पांड्या साहब, मुझे इस पे बात करनी थी, हार्दिक पांड्या ने क्या गुल खिलाए पता है, आज आखिरी 5 ओवर में 19 डॉट बॉल कर गया, 19 गेंदे डॉट बॉल खेल गया, बाकी 11 गेंदों पे पता नहीं कितने रन बनाए इसने। वो बेचारा अर्शदीप आधी इस क्रीज तक आ जाता था रन लेने के लिए, उसको वापसी भेज देता था और फिर अगली 2-3 गेंदे डॉट कर देता था खुद ही। भाई अर्शदीप अगर घुमा देता ना तो छक्का लग जाता। हार्दिक पांड्या पता नहीं किस शेल में घूम रहा था आज, मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी था आज की टीम में, उसको चाहिए था, वो तो वन हैंडली सब कुछ करता, विद द बॉल भी विद द बैट भी, लेकिन कुछ नहीं कर सका, उल्टा नुकसान कर गया। 45 गेंदे खेल गया 39 रन के लिए। रिंकू सिंह 11 गेंदे 9 रन। रिंकू सिंह मुझे समझ नहीं आ रही कि यार कोई 12-15 इनिंग्स के बाद एक अच्छी इनिंग आ जाती है और इसको फिर इंडिया वाले जो है वो इंडिया का फ़खर समान समझते हैं। भाई फ़खर समान ऊपर आके परफॉर्म करता है, तुम लोग बोलते हो रिंकू जो है वो KKR की तरफ से खेलते हुए नीचे आता है, उसको इतना बैटिंग का चांस नहीं मिलता। भाई आज तो जल्दी आ गया था बैटिंग करने, आज क्यों नहीं परफॉर्म किया, आज करना था ना, आज दिन था। यही मसला है सारा, यही मसला है ये सब कॉन्टिनेंट में रहने वालों का कि जिस दिन परफॉर्म करना होता है उस दिन नहीं करेंगे। अर्शदीप सिंह नो डाउट रहे, हार्दिक पांड्या भी नो डाउट रहे, अगरचे 6 खिलाड़ी इंडिया के आउट हुए थे लेकिन भाई टारगेट बहुत कम था 124 का और रना बॉल के हिसाब से अफ्रीका कहीं कब बीच में जब वरुण चक्रवर्ती का स्पेल आया तो उस वक्त लग रहा था कि अफ्रीका के हाथ से यह मैच चला जाएगा, लेकिन फिर स्टोबर्स की उस इनिंग को दाद देनी पड़ेगी, उस पेशन को उस बंदे के दाद देनी पड़ेगी कि उसने जो है वो एंड तक खड़ा रहा और नो डाउट वापसी आया, बल्कि जितवा के फिनिश करके वापसी आया। मुझे क्लासन मिलर और मार्करम से गिला है कि भाई तुम लोग मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो अपनी टीम में, लेकिन अभी आज भी डेविड मिलर जो है वो एक गेंद पे 0 बोल्ड होके किया है, वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पे बोल्ड होके किया है। तो भाई मिलर साहब ऐसे नहीं होता, या तो आपकी उम्र हो गई या फैट पे हो जाए, किसी नए बच्चे को आने दें। दूसरी तरफ मार्करम से भी मुझे शिकायत है कि ऐसा कैप्टन भाई तू क्या कर रहा है। क्लासन का मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या तुम सारे में मेरी फिर हटती है, मुझे ये बताओ तुम ये क्या सारे, चाहे वो तुम अभिषेक शर्मा हो चाहे क्लासन हो, तुम लोग क्या सिर्फ IPL में हैदराबाद की तरफ से खेलने के लिए आए हो कि तू IPL में तबाही मचा देता है। ये क्लासन हो चाहे अभिषेक शर्मा हो, आज दोनों फ्लॉप है, आज दोनों बंदे हैदराबाद के फ्लॉप हुए हैं। खैर वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं इंडिया की हार क्यों हुई है, इंडिया की हार का जिम्मेदार कौन है। मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूं, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, सूर्या कुमार यादव, इन तीन में से किसी एक का नाम ज़रूर लें, कौन है इस हार का जिम्मेदार। अगली वीडियो मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।